कड़कड़ाती सर्द में ये श्रद्धा ही है जो लोगों को बाहर लेकर आती है। राम हम सभी का आदर्श है और भारत में वही नहीं है, लेकिन हमें उनकी जन्मस्थली के लिए भी 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा। अब जब हमें संघर्ष से विजय प्राप्ति हुई है और उनके मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं तो सभी की सहभागिता जरूरी है। इसलिए हमारे सामने स्वयं सेवक कुछ हैं जो इन कलेक्शन कर रहे हैं, जो सबकी सहभागिता के उद्देश्य से चल रहे हैं। इसमें किस प्रकार से कलेक्शन लिए जाते हैं और इसके लिए क्या क्या नियम है वो उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम। आप लोग कड़कती सर्दी में बाहर निकल के लोगों के बीच जा रहे हैं भगवान श्री राम के लिए, और राम की आस्था जो हम सबके दिल में है उसको पूरा करने के लिए आप दर कदम करें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बताइए कि जो मंदिर निर्माण के लिए जन जागरण चल रहा था कुछ दिनों से, अब उसकी कलेक्शन चालू हुई है, तो कलेक्शन में क्या नियम है, किस प्रकार से आप लोग कलेक्शन ले रहे हैं? भाई साहब 15 जनवरी से हमारे यहाँ पर ये अभियान शुरू हुआ है और 15 जनवरी से हमारा लक्ष्य है कि हम परिवार के हर सदस्य जुड़े। हम जो ना ये अखंडानंद नगर है हमारा, तो इस नगर में सेक्टर 15 ए 14 हरौला 16 सेक्टर की बस्ती और नया बांस ये क्षेत्र आते हैं, कार मार्केट भी आती है, सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 भी आते हैं, ये भी हमारे इसमें है। तो हमारा जो ना टोकन की व्यवस्था हमें की गई है, तो टोकन 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, ये टोकन है और इसके साथ रसीद बुक। तो जो व्यक्ति 20,000 रुपये देना चाहेगा या 2,000 रुपये देना चाहेगा, 20,000 तक हम नकद राशि दे सकते हैं, और मतलब ये 2100 से जो ज़्यादा देगा तो हम चेक से लेंगे, और चेक में राशि कितनी भी हो सकती है। तो भाई साहब ये जो है जो राशि चेक से होगी और चेक के पीछे उनको अपना नाम, टेलीफोन नंबर, पता और पैन नंबर लिखना होगा। पैन नंबर लिखना अति आवश्यक है, और जो चेक बुक की रसीद होगी भाई साहब जिससे हम चेक लेंगे या राशि लेंगे उसमें दानकर्ता के भी हस्ताक्षर होंगे, ये हमारा है। और नोएडा में अभी हमें इस अभियान को 31 जनवरी तक पूरा करना है, और हमारी ये व्यवस्था ऊपर से व्यवस्था की गई है कि जितनी भी राशि या चेक इकट्ठे होंगे वो हमें दूसरे दिन वो बैंकों में जमा कराने होंगे, और उसकी पूरी डिटेल हमें अपने जो उच्च अधिकारियों तक देनी होगी। ये हमारा पूरा लक्ष्य यही है, और मेन हमारा ये है कि हम हर परिवार से जुड़ें और हर समाज से जुड़ें, हर जाति से जुड़ें, ये हमारा लक्ष्य है। मेन हमेशा प्रेम का लक्ष्य है, जैसे हमारे भगवान श्री राम ने प्रेम का भाव फैलाया था उसी तरीके से भाव फैलाना है। जिस तरीके से उन्होंने लंका पर चढ़ाई करते जब की थी तो सभी का सहयोग लिया था, मतलब कि अगर वो चाहते तो अपने ननिहाल से सहायता मंगवा सकते थे, अपने अयोध्या से सहायता मंगा सकते थे, अपने और कहीं से सहायता मंगा सकते थे, ससुराल से सहायता मंगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सहायता न मांगा करके अपने वहाँ के जो जंगलवासी थे, वनवासी थे, स्थानीय वासी थे, जो वहाँ के कबीले वासी थे उनसे सहायता ली, और उनसे सहायता ले करके ही उन्होंने श्रीलंका पर चढ़ाई करी और विजय प्राप्त करी। यही हमारा लक्ष्य है कि हम समाज से जुड़ें, प्रेम भाव समाज में प्रेम भाव फैलाने का हमारा मेन उद्देश्य है। जैसे कि बाजार में कई बार चलते चलते अफवाहें होता है कि यहाँ पर कुछ लोग नकली पे लोग भी होते हैं, असली लोग भी होते हैं, तो कैसे लोग पहचाने, राम भक्त कैसे पहचाने कि कौन असली और कौन नकली है? भाई साहब ऐसा है, जो हमारे कूपन आए हुए हैं उसमें भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ है, और उसमें जो ना सीरियल नंबर भी लिखे हुए हैं, सारे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, हम आपको अपनी जो है वो दिखा सकते हैं। दिखाओ जी, 100 रुपये का कूपन है ये भाई साहब, ये 100 रुपये का कूपन है। ऐसे
से ये हजार रुपए के कूपन है भाई साहब। उसके बाद रसीद हुई है, 10 रुपए का कूपन भी है। रसीद भी दिखा दीजिए, ये रसीद है, ये रसीद बुक की कॉपी है भाई साहब। उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने क्षेत्र भाई क्षेत्र के हिसाब से कार्यकर्ता रखा है, तो क्या मैंने क्या विषय उसी क्षेत्र के ऐसे लोग उसी क्षेत्र में जाएंगे या अलग दूसरे क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा है, ये क्षेत्र बांटा गया है और जैसे हमारा क्षेत्र ये अखंडानंद नगर का है तो कार्यकारिणी में अखंडानंद नगर के ही स्वयंसेवक होंगे, स्थानीय स्वयंसेवक होंगे। अगर कोई स्वयंसेवक किसी दूसरे क्षेत्र का है तो वो अपनी दूसरे क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा, लेकिन कोई मतलब ना तो दूसरे क्षेत्र से हम जो है ना अंशदान राशि भी नहीं ले रहे, वो अपने क्षेत्र में जाकर के अंशदान राशि लेंगे। तो कहना कि जो जिस क्षेत्र का है जो क्षेत्र में ही स्वयंसेवक की व्यवस्था की गई है उसी क्षेत्र में ही आप दान करें। और कोई ऐसा अगर आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ऐसे चलती रहती है हिंदुस्तान में बहुत सारे काम होते हैं, कोई दूसरे क्षेत्र का आके और कहे कि डिजिटल पेमेंट करनी है कर दो या बार कोडिंग, तो ऐसा कोई सिस्टम है आपके यहाँ? डिजिटल पेमेंट का भाई साहब कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, कोई डिजिटल पेमेंट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है वो जो ना ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है वो जो उसको प्रसारित किया गया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं सीधे अयोध्या के सही अयोध्या के अकाउंट में हो जाए। चलिए बहुत बहुत, लेकिन ये ट्राई किया गया है कि हम घर घर पहुँचाए तो हमें। अच्छा, ये एक चीज और आया कि आप लोगों ने टोली बनाई कुछ की, तीन लोग जाएंगे या दो लोग जाएंगे? हाँ, टोली। कितने लोग जाते हैं आप एक साथ में? एक टोली में भाई साहब कम से कम 4 लोग होते हैं। अच्छा, 4 लोग हम होते हैं एक टोली में, और अगर मान लो किसी वजह से 3 लोग भी आए तो वो भी सफिशेंट होगा। हाँ जी, लेकिन घर घर पहुँचना, घर घर पहुँचना हमारा उद्देश्य ये है कि परिवार के हर सदस्य से हम जो मिले, मिलाप हो, सेवा भावना हो, हर आदमी में देश प्रेम की भावना जागृत हो, ये मेन हमारा उद्देश्य है।